अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते। हम आए जू गांधी ग्राम स्कूल के पास, जो 4 साल से स्कूल बंद थी। यहाँ पर ना किसी का ध्यान हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। करीब 600 बच्चे आज स्कूल में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ डेमोलिशन होने के कारण। बीएमसी ने C1 कैटेगरी दे के डिलैपिडेट करके उसको डेमोलिशन कर दी थी। करीब 4 साल हो चुके थे, इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ, वर्कआउट नहीं हुआ। आइए हम जानते हैं स्थानीय लोगों से कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संदीप तिवारी है। 3.5 साल से लगातार इस स्कूल का कंप्लेंट्स हर डिपार्टमेंट को मैंने दिया कि भैया स्कूल बन जाए तो स्थानीय बच्चे लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी। एक ही स्कूल है नियर बाई में, 500 रेडी स्टेशन में जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, रुइया पार्क के बच्चे सब बच्चों को शिफ्ट उठा के आनंद फानंद में इधर उधर कर दिए। लेकिन यहाँ पे स्कूल बनाने के नाम पे बीएमसी खाली पल्ले झाड़ रही है कि CRZ की कैटेगरी में आता है, हम बना नहीं सकते। ये सब चीज़ें चल रही थी और 3.5 साल लगातार मेहनत करने के बाद आज जो NOC मिली है, विवक फाउंडेशन के जो हमारे मित्र हैं इनके समर्थन से मिली है। MLA तो सुनने वाला नहीं, कॉरपोरेटर यहाँ पे ध्यान देने के लिए आते नहीं। स्कूल की अभी क्या कंडीशन है आप दिखा दीजिए, देखिए पूरे झाड़ उग गए हैं और इसकी सफाई उफाई भी उन लोगों ने कराया नहीं, जबकि बाजू में मुक्तेश्वर देवालय, हरिकृष्ण मंदिर दोनों है, लोकल लोगों को आने के जाने में दिखता भी है और बच्चों को काफ़ी मुसीबत का सामना झेलना पड़ता है। कितने बच्चे पढ़ते थे? मेरे घर से 5 बच्चे पढ़ते थे। और अभी कहाँ पढ़ाई हो रही है उनकी? उनको टाटा कंपाउंड स्कूल में शिफ्ट किया है और छोटे बच्चे जो ज़्यादा छोटे हैं उनको विले पार्ले संन्यास आश्रम में शिफ्ट किया है। कितना डिफिकल्ट होता है ट्रैवलिंग करने बच्चे लोग? एक फैमिली से अगर एक जन जाते हैं बच्चों को लेने के लिए तो वहाँ से छूटने का टाइमिंग तो दोनों का जस्ट सेम है। वहाँ से छूटते हैं तो तुरंत भाग के टाटा कंपाउंड वॉचमैन के पास बच्चे खड़े रहते हैं, वहाँ पे आके बच्चों को लेना पड़ता है। लेट होता है, 7 बज जाते लाते कभी कभी। और इन्होंने बस का कोई सुविधा था नहीं, स्टार्टिंग में जब तोड़ा था तो दिया था, उसके बाद से तो पूछो ही मत, बस भी बंद कर दिया। आप 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे जो हैं वो बस में अकेले चढ़ सकते हैं क्या? बस पास अलॉट करने का काम हुआ है पूरा। आइए हम मोना शेख से बात करते हैं, जो विवक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया इस चीज़ को लेकर CRZ का NOC लाने के लिए। मोना जी क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना ये था कि जब हम लोग ने तिवारी सर के पास से हम लोग ने जो इन्फॉर्मेशन लिए, ये 3 साल से मतलब स्कूल 3.5 साल से CRZ के नोटिफिकेशन के अंदर रुका हुआ है, तो हम लोग ने इसके ऊपर फॉलोअप चालू किए। जब फॉलोअप हम लोग ने चालू किए तो ये 3 साल के बाद ये 6 महीने से हम लोग ने रेगुलर फॉलोअप किए, तो इसके बाद हम लोग को पता चला कि कुछ नॉर्म्स की वजह से ये रुका हुआ है काम। कहाँ रुका था मोनाज भाई ये? CRZ के NOC के लिए रुका हुआ था। CRZ की एक लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर 4 फरवरी 2022 के, 4 फरवरी 2022 के बाद से एक मीटिंग नहीं हुई CRZ के पास। तो हम लोग ने वहाँ से एप्लीकेशन करना चालू किए और हम लोग ने बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग से भी थोड़ा हेल्प लिए, विधानसभा के अंदर भी डाले। लेटर्स डालने के बाद हम लोग का लेटर एक फॉरवर्ड भी हुआ, विरोधी पक्ष नेता अजीत दादा पवार के पास से हम लोग का लेटर फॉरवर्ड हुआ। इसके अंदर मीटिंग बाद में कंडक्ट हुई। कंडक्ट होने के बाद ये हुआ कि NOC के लिए 3 बार मीटिंग हुई और लास्ट में ये NOC ग्रांटेड हुई। NOC ग्रांट होने के बाद हम लोग को जब परसों के दिन हम लोग गए थे CRZ के यहाँ, तो वहाँ से हम लोग को पूरा ये नोटिफिकेशन मिला। कितने बच्चे स्कूल में यहाँ पे पढ़ते थे करीब? As per RTI बच्चे थे 1000 के आसपास बच्चे थे। 1000 के बाद से जितना ये ट्रैवलिंग का थोड़ा इशू हुआ, बाद में बीच में कोरोना आया, बाद में बीच में जो BHT बस की सर्विस थी, जो सर्विस को रोकने के बाद 600 बच्चे इधर उधर हो गए। आपने ये भी कहा था कि हमने KVS वार्ड में जब ये लोधा आए थे तो आपने उनसे ही मुलाकात की, तो उन्होंने उनका क्या कहना था इस बारे में? लेटर तो ऐसा फॉरवर्ड हुआ था, तो बोलेंगे इसके ऊपर कुछ हम लोग वर्कआउट करते करके, उसके बाद फिर हम लोग को कोई लेटर का रिप्लाई आया नहीं। ये हमारे साथ महबूब शेख भी है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के NCP के यूथ तालुका प्रेसिडेंट है। उन्होंने भी ये मैटर को फॉलोअप किया अजीत दादा पवार के पास से। आइए जानते हैं उनसे। महबूब भाई क्या बोलना चाहेंगे, ये स्कूल कब से 4 साल से बंद था, आपने भी फॉलोअप किया, विवक फाउंडेशन ने भी फॉलोअप किया, तो क्या रहे इसके बारे में? सर मैं एक NCP का ताल्लुक अध्यक्ष हूँ और विवक फाउंडेशन में सेक्रेटरी भी हूँ। हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ के आए थे, बच्चे उनके माँ बाप सब आए थे, कम से कम 300 या 350 उन्होंने सिग्नेचर दिया हमको, इसके बेब पे हमने उसको फॉलो किया। हम अजीत पवार साहब के पास भी गए थे, अजीत दादा पवार के पास, तो उन्होंने लेटर भी फॉरवर्ड किया, विरोधी पक्ष नेता है जो हमारे, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया, तो उनके फॉरवर्ड होने से कुछ हमारा काम हुआ, तो उसके उसे NOC भी हमको मिल गई अपना मंत्रालय से। तो बस यही देखो, अभी काम जितना जल्दी चालू हो गया उतना बच्चों को, एजुकेशन का सवाल है तो बेनिफिट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे परेशान बहुत है, क्योंकि 600 साढ़े 600 बच्चे थे पहले, 1000 बच्चे थे, अभी 600 बच्चे, सब बच्चे आजू बाजू में स्लम बहुत है, नेहरू नगर है, अपना रुइया पार्क है और दूसरा इरला है, बहुत है, तो यहाँ एजुकेशन का सवाल है बच्चों का, अगर जल्दी हो जाए काम तो
बहुत बड़ी मेहरबानी। देखिए अभी CRZ का तो NOC आता आ गया है, अभी देखना ये होगा कि कब BMC और पूरे प्लानिंग अथॉरिटी कब स्कूल का काम चालू होती है करते हैं और कब बच्चे यहाँ पे फिर से पढ़ाई चालू करते हैं। समीर शेख, गली न्यूज़।